तो अभी ये जो शाम का टाइम, मैं आई थी छत पर, और हम लोग जब भी छत पर आते हैं तो आजकल कूड़े वूडे लेकर आने लगे हैं। तो इस बाल्टी में जो है, मुन्ना चुप हो जा बेटा, तो इस बाल्टी में कूड़े डाल देंगे आज के। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़े प्याज के छिलके और थोड़े केले के छिलके, और लीजिए इसको चला देते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से जो है डेली अब ये कूड़े वाली खाद हम लोग तैयार कर रहे हैं। सूखे पत्ते भी डाल दो, और कुछ सूखे पत्ते भी हैं जो बाहर झाड़ू वाड़ू से निकले होते हैं, अमरूद के पेड़ों के और भी चीज़ों को। इसमें पानी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये आप देख रहे हैं ये खाद हमारी तैयार हो रही है, इसमें पानी की ज़रूरत आ गई है। अब इसमें पानी और डालेंगे लाकर अभी। और ये जो कैन आप देख रहे हैं, ये आज हम लोगों ने खरीदी वाटरिंग कैन, क्योंकि क्या हो रहा था कि पौधों में जब हम लोग पानी डाल रहे थे तो थोड़े से गड्ढे से हो रहे थे, तो इसको लेकर आ गए कि चलो जब पौधे बढ़ाने ही हैं तो ये चीज़ भी काफ़ी काम की है और काम आएगी। तो अभी आप देख रहे हैं आज हमारे घर में सिंचाई इससे हो रही है, इस कैन से। अब बड़ा मज़ा आता है, और साथ ही सबसे बड़ी बात, पत्तियाँ भी धुल जाती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख कर। मैंने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ, तो ये काम अभी ये कर रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी आप साइकिल्स देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए भी आज गिफ्ट लेकर आए थे, तो दिया को लगा कि डॉटर्स डे के लिए, तो डॉटर्स डे के लिए तो नहीं है, ऐसे ही हमें अच्छी लग गई, तो एक दिया के लिए, ये ब्लू वाली दिया के लिए, और ये जो है मोना के लिए लेकर आए। तो बच्चे तब से इसी को चला रहे हैं। ये मोना मैडम है, बैठी हुई हैं झूले पर आराम में, ये दिया है। चलो तुम लोग चलाओ। तो बस कुछ यूँ है शाम का टाइम। तो अभी जो है शाम के लगभग 7 बज रहे हैं, छत पर हैं हम लोग, और अभी हम लोग एक अलग से वीडियो बना रहे थे गार्डनिंग का, कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें, तो वो वीडियो यहाँ पर हमने तैयार किया, मैंने और इन्होंने मिलकर। मैंने कहा चलो थोड़ी ब्लॉग में बातें कर लेती हूँ, और हम लोग सोच रहे थे कि गार्डनिंग के कुछ वीडियोज़ बीच बीच में आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे इसी ब्लॉग वाले चैनल पर, तो जिनको इंटरेस्ट होगा वो लोग देख भी लेंगे। तो कुछ इस तरीके से पुदीने के भी कुछ पौधे लगाए थे आज दिन में, देखते हैं उनका क्या रिज़ल्ट होता है। और कुछ मिट्टी वगैरह तैयार करी थी, बाकी सारी तैयारियां चली रही हैं जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो ये सब था, और अभी जो है इस समय छत पे अंधेरा हो रखा है, इसलिए यहाँ रूम की बाहर की लाइट जलाई हुई है। और यहाँ आपको चाँद दिखाती हूँ पीछे से, बहुत सुंदर सा चाँद निकला है, तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा आप लोग को दिखाते हैं। तो आज का जो ये चाँद है ये बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम चमक रहा है पूरा, शायद आज फुल मून है तो इसलिए जो है चाँद काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी, और आज कुछ दिन अजीब सा ही था, ऐसे ही था। और जैसे आप देख रहे हैं मैंने ईयर रिंग्स नहीं पहने, सुबह कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं किया, पिछले 2 दिनों से मैं कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ बनी हुई रखी थी मेरे पास वीडियोज़ की, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इच्छा नहीं होती कुछ काम करने की, तो कुछ यूँ ही चल रहा था। मैंने कहा कि कुछ नहीं, आराम से काम कर लेंगे 2-4 दिनों बाद, और वीडियोज़ इतने होते हैं कि उनसे काम चल जाता है। और थोड़ा मतलब हेडेक भी था, सर में भी दर्द था, तो ऐसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो 2 दिन बाद काम कर लेंगे, कभी कभी काम को थोड़ा सा स्किप कर देना चाहिए जब आपका मूड ना हो, क्योंकि ख़राब मूड में जब काम करते हैं तो काम अच्छा नहीं होता। मूड अच्छा हो तभी मेरे से ब्लॉगिंग भी होती है, तभी मैं रेसिपी भी शूट कर पाती हूँ। तो सर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, शायद नींद नहीं पूरी हुई थी या क्या हुआ था, तो इसलिए जो है मैंने कहा कुछ चलो रेसिपी नहीं शूट करूँगी, पर यहाँ ऊपर आई तो मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ। हालांकि आज तेल भी लगाया शाम को बालों में, तो बाल एकदम चिपकू चिपकू से हो रहे हैं सर दर्द की वजह से। खूब अच्छे से तेल ले लिया कि चलो कल हेयर वॉश कर लूँगी, फिर देखते हैं कल से रेसिपी को शूट करूँगी। और बस ये सब चल रहा है, ये भी हैं छत पर, दिया भी हमारे साथ, मोना नीचे सो रही थी, मोना को लेकर नहीं आए थे। और अभी आप छत का मतलब पीछे का जो व्यू है अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे कैमरे में देखने पर, तो मुझे भी एक समय अंधेरा हो चुका है, सिर्फ यहाँ की एक ट्यूबलाइट जल रही है। और कल जो मैंने क्लिप शूट करी थी उसके बाद से मैं मार्केट चली गई थी, तो कुछ ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था इसके बाद, कि जो है मार्केट गई थी तो फिर वहाँ से गमले वगैरह हम लेकर आए थे, गमले लाए थे, छोटे टब लेकर आए थे, टब ऐसे लेकर आए थे, ये वाले ऐसे 10 टब लेकर आए धनिया पुदीना साग वगैरह लगाने के लिए, तो अच्छे रेट में मिलते, बहुत महंगे नहीं मिले, 30-30 रुपये के हैं, तो ऐसे 10 पीस लेकर आए। साथ ही पॉट्स लेकर आए पौधों के लिए, तो पॉट्स लेकर आए लगभग 15 या 17 पीस, मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छे रेट पे मिल गए थे, तो पॉट्स लेकर भी आ गए थे। तो बस ये सब था, शॉपिंग से काफ़ी लेट आई, और आज भी सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो मैंने कहा चलो अब शाम का टाइम है, अब बातें कर लेती हूँ। तो चलिए अब नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा दिया वह जलाऊँगी भगवान जी को, रोटियाँ बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी, तो कुछ यूँ सीन है, देखते हैं। मोना उठ गई होंगी तो मोना चिल्लाएंगी माँ पापा आप लोग चले गए मुझे नहीं लेकर गए, तो मोना को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। और यहाँ से सामान वामान हटाते हैं, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद।
हेलो मोनू गुस्सा है, मोनू गुस्सा हो हैं, छत पे नहीं लेके गए थे? मोनू को गुस्सा आ रहा है। किससे गुस्सा हो बेटा, किस पे गुस्सा हो? मोनू मोना मेरा, बोलो बात करो, इधर देखो, चलो हाय कर लो सबको। गुस्से में हाय, प्यार से बोलो, प्यार से हाय करो मोनू। मोनू इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। देखो तुमको कौन देख रहा है, कौन देख रहा है मोनू को, कौन देख रहा है मोनू को, कौन देख रहा है मोनू को, कौन देख रहा है मोनू को? गुस्सा आ रही है, गुस्सा नहीं होते बेटा, कल फिर लेके चलेंगे। कल चलोगी, कल चलोगी मोनू, कल चलोगी? तो अभी यहाँ पर रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और ये होममेड पनीर है जो मैंने घर पे ही निकाला था, इसे पीसेस में कट कर लिया है। इसमें हम करेंगे एक छोटा सा मैरिनेशन, और पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी रेसिपी। और यहाँ पर मैंने मैरिनेशन के लिए डाला है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक डाला है, और बाकी का नमक कुछ हम लोग ग्रेवी में भी डालेंगे। और बहुत ही एकदम इनोवेटिव तरीके की रेसिपी थी, मैंने कहा चलो आज ब्लॉग में शेयर करती हूँ। और इसकी रेसिपी पहले मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी डाली है कसूरी मेथी, तो इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा हम कसूरी मेथी का यूज़ करने वाले हैं, मैरिनेशन में भी साथ ही ग्रेवी में। तो एक तरह से आप इस रेसिपी को मेथी मलाई मटर पनीर का नाम दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर दी हैं, और अब इसके बाद इसमें जा रहा है दही। तो दही मैंने फ्रेश ली थी और 2 चम्मच लिया था, लगभग 2 टेबल स्पून के लगभग आप कह सकते हैं। बस सारी चीज़ों को यहाँ पर स्पून से मिक्स कर लें, या फिर इस तरीके से बर्तन को हल्के से हिलाकर तब मिक्स करें, जिससे पनीर के टूटने का डर नहीं हो। और पनीर को ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और इसके बाद से चलते हैं, करते हैं ग्रेवी बनाने की तैयारी, मतलब मसाला भुनने की तैयारी। तो मसाले के लिए यहाँ पर लिया है तेल, और सरसों का है तेल, कढ़ाई ले लिए, और अभी इसमें जो है डाली है दालचीनी, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, थोड़े से कुछ खड़े मसालों का तड़का देते हैं, तो आपको भी पता है सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही अब एक प्याज है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और प्याज के फ्राई होने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, वो मैंने डाल लिया है, वो फ्राई कर लिया है। और अब इसके पास जा रहे हैं कुछ पीसे मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, साथ ही थोड़ा सा नमक, आधा नमक हमने मैरिनेशन में यूज़ किया है। और बस इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा चला फिरा कर फ्राई कर देंगे। और थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मसालों के जलने का डर होता है, तो इसलिए जब सूखे मसाले हों तो थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें। टमाटर के साथ डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टमाटर पानी छोड़ता है तो मसाले जलते नहीं हैं, पर सूखे मसाले होते हैं तो इनको जो है पानी डाल कर ही फ्राई करिएगा। और अभी जो है मसाले हमारे फ्राई हो रहे हैं, और मसाले जब यहाँ फ्राई हो रहे हैं तब इसी टाइम पर हम जो बाकी की कसूरी मेथी हमें डालनी है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मसालों को वापस से कसूरी मेथी के साथ फ्राई करेंगे। और यहाँ पर अभी ले लिया है 1 टमाटर का क्रश, 1 या 2 लाल टमाटर जो भी आपके पास हो वो आप ले लें, और टमाटर भी डाल दें तो मसाले भून जाए, कसूरी मेथी भून जाए, तब उसके बाद से टमाटर का क्रश डालना है। और अब यहाँ पर मैं डालूंगी घर की फ्रेश मलाई। एक्चुअली ये मलाई फ्रीजर में रखी थी, मेरे पास जो मलाई थी वो पूरा मलाई का डब्बा फ्रीजर में रखा था, मुझे ध्यान नहीं आया कि सब्जी बनाने से थोड़ी देर पहले उसको निकाल लूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मलाई थोड़ी जमी जमी सी है क्योंकि मैंने इसे स्पून से काट के निकाला था, पर अभी मसाले में डालने के बाद ये फटाफट से जो है मेल्ट होने लगी है। तो मलाई को फ्रीजर में रखें या फ्रिज में रखें, पर मसालों में डालते हैं कि सब्जी में डालते हैं तो ये फायदा होता है कि फटाफट से मेल्ट हो जाती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मलाई ने काफ़ी अच्छे से जो है ऑयल रिलीज कर दिया है, मसाला हमारा थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, और इस मसाले को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 3 से 4 मिनट। तो अभी जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप देख रहे हैं कि मसाले का कलर कितना सुंदर है, कितना टेम्पटिंग है। और इस टाइम पर जो है हम डालेंगे फ्रोजन वाले मटर, आपके पास फ्रेश मटर हो तो वो डाल लें, मैंने यहाँ पर फ्रोजन डाले हैं जो मैं हमेशा फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ। तो 1 कप के लगभग मटर मैंने वॉश करके और डाल दिए, मटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और बस इसके बाद से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो हमारे पनीर है मैरिनेटेड वाले पनीर वो यहाँ पर ऐड करने हैं, पनीर को फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही ऐड करना है मैरिनेशन के साथ। और मैरिनेशन के बाद जो निकला हुआ पानी होता है दही वगैरह का, वो भी आप इसी सब्जी में डाल दें, अच्छे से मिला लीजिए। और अच्छे से मिलाने के बाद बस यहाँ पर अब हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पर जो मैरिनेशन वाला बर्तन था वही मैंने, उसमें दही वगैरह लगा हुआ था तो वही धुलकर और ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दिया है। तो बस पानी अंदाजे से डालने, ग्रेवी को गाढ़ा रख सकते हैं या पतला रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला मैंने नहीं रखा था, नॉर्मल जो ग्रेवी होती है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी,
तो वो मैंने ऐड करी थी। तो यहाँ पर अभी सब्जी हमारी लगभग लगभग पककर तैयार, इसे मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया था। बहुत ही बढ़िया मटर पनीर बने हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से मटर पनीर बना के ट्राई करना। दिया कर लिया बेटा पूजा? कर लिया आरती? कर ली पर ना, लेकिन पापा ना बहुत कड़क आवाज में खाना मतलब आरती गाते हैं। क्यों? क्योंकि पापा ऐसे ही हैं शुरू से। तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं माँ, नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए बेटा? आप बस जब भी आप पूजा करती हो ना मीठी आवाज में करती हो, एक कैमरा लगाओ, ठीक है, मोबाइल लगाओ, फिर ना यहाँ लगाओ, वीडियो ऑन करो, फिर मीठी आवाज में गाओ, फिर ना उसको उसको बना के ना पापा को दिखाओ, फिर पापा मीठी आवाज में गाएंगे। ऐसा क्या? हाँ। मतलब मेरी आरती चाहिए मंदिर में? ठीक है, रख देंगे रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो तुम उस आरती से तुम और पापा पूजा कर लोगी? ठीक है। मोनू तुम क्या कहती हो? माँ लाइट ऑन है, सब कुछ ऑन है। अब तुम बताओ, तुम्हारी बारी है। तुम नहीं गई थी पूजा करने? करता हूँ। कब? शाम को? नहीं करता। नहीं करते हो? अरे मोनू शाम को ही तो करती हो। करता। मोनू को फ्रॉक पसंद है या जीन्स पसंद है? फ्रॉक पसंद है। जीन्स पहन लो कभी कभी। ना। क्यों बेटा, जैसे दीदा पहनती है ना, अब मैं भी बोलूँ। जैसे दीदा पहनती है ना जीन्स शर्ट टी शर्ट, वैसे पहना करो। उस भी पहनता हूँ। कब पहनते हो? कुछ भी। कुछ भी पहनते हो? हाँ। तो क्या पहनते हो? मोना किसकी बेटी है? मैं। किसकी बेटी है? माँ का। माँ की बेटी है। माँ को गीली किसी करती है, सूखी किसी करती है? सूखी। सूखी किसी करती है माँ को? ओ, की प्यारी बाबू है माँ की, है ना? छोटू छोटू बाबू है माँ। माँ एक उसका कलर है। ये? हाँ। ये है पिंक कलर। पिंक कलर। देखो हाय कर दो सबको। हाय। आपको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, हाय कर दो सबको। हाय। ना, दिया ने भी बाल झाड़ दिया, दिया भी हाय कर रही है सबको। हाय। हाय। माँ का बेटा है? अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं, मैं वापस छत पर हूँ, छत पे ही शूट कर रही हूँ और उसी जगह पे खड़ी हूँ। आजकल हम लोग का छत पर थोड़ा सा आना जाना आवागमन बढ़ गया है, बच्चे भी आए हैं साथ में, दोनों खेल रही हैं और ये अपने प्लांटेशन में लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो आजकल जो है पौधों का जोश जुनून चढ़ा हुआ है कि जो है सारा टाइम उसी में लग जाता है, बस दोपहर में एक दो घंटे फ्री होते हैं तो थोड़ा सा लेटते हैं, अदरवाइज सुबह शाम यही रूटीन चल रहा है। तो मोना इधर आ, मोना को दिखाते हैं, मोना की चुटिया। और
कोई है जो मोना के लिए पूछ रहा था। मोना के लिए कौन पूछ रहा था? मोना के लिए कोई बोल रहा था कि ये आपकी चुटकी है। जी हाँ, ये हमारी छुट्टी है, हमारे घर की छुटकियाँ है। मोना इधर देखो, इधर देखो, कोई आपको पूछ रहा था। हेलो बोलो। हेलो। वो अंकल को हेलो बोलो। कोई अंकल आपको पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे छुटकी है। इसका नाम छुटकी नहीं है, इसका नाम मोना है, पर हाँ घर में सबसे छोटी है, इसलिए कभी कभी हम लोग प्यार से बोल देते हैं। और उनको शायद लगा कि दोनों बच्चे मेरे ही हैं, पर ठीक है, ये एक सस्पेंस है, दोनों बच्चे मेरे हैं या नहीं, ये एक सस्पेंस रहने देते हैं, आगे कभी बताऊँगी ब्लॉग में। तो अजय रानी जी, आपका कमेंट आ जाया था आज ही जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज ही मैं आपका कमेंट पढ़ रही थी मेरे चैनल पर, मेरे लेटेस्ट वीडियो पे आपका कमेंट था, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। आप लोग, आपने मोना को जो है बहुत प्यार से बोला, तो अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ब्लॉग में आपका नाम ले लेते हैं। आपने मोना को पूछा और मोना को मैंने बोला, घर में सबको बोला कि मोना के लिए भाई कोई स्पेशल पूछ आई थी मोना के लिए कि जो है वो इसको ब्लॉग में देखना चाहते हैं। मैंने कहा चलो हर ब्लॉग में मोना को दिखा दूँगी, मोना सच में बहुत क्यूट है हमारी मोना। तो कुछ यूँ है सीन, और अभी जो है इस समय जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी सी। आज मैंने ईयर रिंग्स फिर से नहीं पहना, दिमाग की बैंड बजी हुई है इसलिए ईयर रिंग्स जो है भूल जाती हूँ। आप लोगों के साथ भी होता होगा कई बार जो है डेली रूटीन से अलग हटकर कुछ ऐसा होता है जब हम अपनी कुछ चीज़ें भूलने लगते हैं। मेरे साथ भी ये, बाल तो झाड़ लिया और हेयर वॉश किया था सुबह, बाल वाल झाड़े, सब कुछ किया, बिंदी लगाई, बिंदी नहीं लगाई, बिंदी नहीं चेंज करी, बिंदी कल ही की है, और ईयर रिंग्स भी पहनना भूल गई। तो बस यूँ सीन है आज का, और ये ब्लॉग जो है चल रहा था, थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर रही थी। एक्चुअली डेली ब्लॉग्स में एडिट नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं मिल पाता, तो अल्टरनेट या दो दिन पे जाते हैं, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाने की तेज़ी नहीं है। बीच बीच में रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर कर दी है कि आप लोगों को सारी रेसिपी देखने में अच्छी लगे, तो जो भी रेसिपी कुछ ऐसी बनाती हूँ तो वो किचन में शूट कर लेती हूँ। बाकी किचन से कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ तरीके से, क्योंकि दीदी की तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, तो मैं सुबह बिना नहाई सारा काम पहले करती हूँ, किचन का ख़त्म करती हूँ, तो 12:30 बज जाते हैं। और आजकल 3 दिन हो गए मुझे रेसिपी वीडियो शूट नहीं किए हुए, क्योंकि मेरे पास वीडियो बने पड़े थे, तो मैंने कहा जब घर में काम ज़्यादा है तो रेसिपी शूट नहीं करती हूँ। इन्होंने बोला कि एक बार रेसिपी रहने दो, और जब बने पड़े हैं वीडियोस तो उतना टेंशन है नहीं, क्योंकि बाकी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दीदी की तबीयत ख़राब होने से। तो एक तरह से उनको बेड रेस्ट ही दे दिया है कि ठीक है आप आराम करो, तो हल्का सा फीवर वर चल रहा है उनके, तो वो थोड़ा रेस्ट पे ही रहती हैं, तो इसलिए जो है मैंने कहा जब काम बढ़ गया है तो उतना ही काम किया जाए जितना हमारे शरीर पे असर ना करे, क्योंकि अगर हम भी बीमार पड़ गए तो बाकी का काम कौन करेगा। तो इसलिए मैंने अपने वीडियो वाले काम को थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ा हुआ है, ब्लॉग्स में डेली शूट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो रहा है आप लोगों के लिए। तो ये सब कुछ सीन चल रहा है, और ये ब्लॉग मेरा बनते बनते इतना हो गया है कि एकदम ठीक ठीक सा ब्लॉग आप लोगों के पास चला जाए। और मैं सोच रही हूँ कि कल से अपना नया ब्लॉग शुरू कर दूँगी, और इस ब्लॉग की एंडिंग यही कर देती हूँ छत पर ऐसे ही टाइम में। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। क्या बेटा, मैं भी बाय करो, बाय करो, बाय। आज मैं समोसा लेने जा रहा हूँ। कहाँ जा रही है समोसा लेने? मेरी एक फ्री दुकान है जहाँ एकदम समोसा मिलता, वहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, दिया की बात आप लोगों ने ब्लॉग में सुनी होगी, दिया पूजा करके आई अपने पापा के साथ। तो बता देती हूँ, शायद उस समय आप लोग को समझ में नहीं आया हो, दिया जो बोल रही थी, मैंने उसमें एक्चुअली कैमरा ऑन किया था रेसिपी के लिए, मैं बना रही थी बैंगन का भरता, और दिया को पूजा करते आते देखे, मैंने कहा चलो दिया से बातें कर लेते हैं। तो दिया ने जो बातें करी वो सूट हो गई, दिया ने बोला कि माँ आप आरती करो, और पापा जब आरती करते हैं तो उनकी आवाज़ जो है मीठी नहीं लगती, आप आरती करती हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसने बोला कि आप रिकॉर्डिंग कर लो, कैमरा ऑन करके रख लो और आरती गा लो, वही आरती मैं और पापा बजा लिया करेंगे पूजा के टाइम पर। और आजकल दिया का अपने पापा के साथ पूजा करने का रूटीन है, मैंने इसको ये आदत लगवा दी है कि जब आप जाओ पूजा करने तो दिया को भी लेकर जाओ, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। अभी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर ही में सारा स्कूल है, पढ़ाई है, तो मैंने कहा कुछ अच्छी आदतें सीख ले, तो क्यों ना पूजा करना ही सही। तो डेली दुर्गा चालीसा की 2 लाइनें दिया से पढ़वाती हूँ मंदिर में, और अपने पापा के साथ आरती करती है, बाकी भगवान को फूल कैसे चढ़ाते हैं, दिया बत्ती कैसे करते हैं, वो सब कुछ सीख रही है। मैंने कहा चलो घर का एक नियम ही सीख ले इस कोरोना के टाइम पर, तो ये चल रहा है। तो इसने बोला माँ आप रिकॉर्डिंग कर लेना, मैंने कहा चलो ठीक है बच्चे के लिए भी कर लेंगे। इन्होंने बोला कि तुम रिकॉर्डिंग करके दे देना, हम लोग उसी से आरती कर लिया करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो दिया गुस्सा करती है कि पापा आप कैसे गा रहे हो, उसी तरीके का चलता है। तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा चलो आप लोग को ही बता दूंगी, हो सकता है आप लोग दिया की बात समझ ना पाए हो, तो जब आरती रिकॉर्ड करूँगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, देखते हैं कैसे कब रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, रुकते रुकते भी बातें हो जाती हैं। चलिए फिर मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में, गुड बाय।